हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन का त्रिमासिक राज्य स्तरीय सम्मेलन प्रांत अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में बैजनाथ में आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के सभी क्षेत्रों से आए लगभग 300 चालकों ने भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान सत्य प्रकाश ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 144वीं बैठक में जो प्रदेश चालकों को वरिष्ठ चालकों के पदमान व वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था उसे तुरंत सर्वोच्च कमेटी के माध्यम से लागू करवाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश में चल रहे चालकों की कमी को शीघ्र पूरा किया जाए, प्रदेश में परिवहन निगम के चल रहे सभी रूटों के रूट परमिट लिए जाएं और समय सारणी में संशोधन किया जाए, इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही मांग रखी गई कि अंतरराज्यीय रूटों पर चलने वाली पुरानी बसों को तुरंत बदलकर नई बसें चलाई जाएं, रात्रि एवं अतिरिक्त भत्ते का मापदंड समय सारणी के अनुरूप हो। प्रदेश में चालकों परिचालकों की बढ़ रही मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन निगम में भी डिपर्सन एक्ट लागू होना चाहिए। प्रांतीय प्रधान मानसिंह ठाकुर ने प्रदेश के सभी इकाइयों के प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन परिवहन में उपजी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्ण रूप से सजग है। संगठन सभी समस्याओं के बारे में उच्च प्रबंधन व समय पर सरकार के साथ वार्ता करता रहता है, जिसमें बहुत सी समस्याओं का समाधान भी निकलता नजर आ रहा है और कुछ समाधान शेष बाकी है। हिमाचल प्रदेश एक्वाकल्चर फिशिंग एवं मार्केटिंग सोसाइटी की वेबसाइट का पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर में शुभारंभ किया। इस दौरान मत्स्य पालन में नवीनतम उन्नति प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कम पानी में भी अधिक मछली उत्पादन करने के साथ साथ हिमालयन फिश की ब्रांडिंग कर मार्केट में लाने और किसानों व मत्स्य पालकों को उनकी आय दुगना करने के बारे में भी रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य से आए मत्स्य निदेशकों ने भी अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनके क्षेत्र में अपनाई जा रही नवीनतम तकनीक को भी कार्यशाला में साझा किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई विकसित की जा रही तकनीकों, उनके संचालन और परिणामों पर भी किसानों के साथ चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रदेश में सर्वोत्तम रहने वाले मत्स्य किसानों को सर्वोत्तम उच्चतम कर्प मत्स्य उत्पादन की श्रेणी में पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस मौके पर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर सहित मत्स्य विभाग के अधिकारी और प्रदेश भर से आए विशेषज्ञ मौजूद रहे। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल में अग्रणीय भूमिका अदा कर रहे मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं द्वारा अपना 17वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल प्रबंधन व अध्यापकों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 450 छात्र छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी, तो साथ ही हिमाचल व पंजाबी सहित विभिन्न लोक संस्कृतियों को पेश करते हुए नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही छात्रों द्वारा समाज को सेफ गर्ल्स और स्वच्छता का भी संदेश देने का काम किया गया, जिसके बाद छात्रों ने आमजन से अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करने और युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिनर्वा स्कूल घुमारवीं के प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने की, तो वहीं घुमारवीं के बीजेपी के विधायक राजेंद्र गर्ग बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में मिनर्वा स्कूल के प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का स्वागत किया, तो साथ ही स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़ी। वहीं स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों को मुख्य अतिथि राजेंद्र गर्ग ने जमकर तारीफ की, साथ ही
विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों तथा बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 रहने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए मिनर्वा स्कूल के प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने कहा कि वार्षिक समारोह का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों को मंच प्रदान कर उनके हुनर को निखारते हुए समाज के हर वर्ग को लोक संस्कृति से रूबरू करवाना है। साथ ही नाटकों के जरिए सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि इन कुरीतियों से लोग दूर रह सकें।